بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سبحان الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله एक मरतबा बाबा दे बुलंद रुशी को नजराना पेश कर इस दुनिया के अंदर इंसान आता है उसके रिश्ते होते हैं दो रिश्ते असल रिश्ते हैं दो एक दीनी रिश्ता और रूहानी रिश्ता और एक जिस्मानी रिश्ता और बदनी रिश्ता दीनी रिश्ता अल्लाह से वो हमारा मालिक है हमारा खालिक है हमारा परवरदिगार है और बाकी जितने रिश्ते हैं वो अल्लाह के हवाले से दीन रिश्ते हैं अगर रसूल से रिश्ता है तो इसलिए कि वो रसूलुल्लाह अगर अल्लाह के महबूब से रिश्ता है तो इसलिए कि वो औलिया अल्लाह हज़रत गिरामी दूसरा रिश्ता जिस्मानी और बदन रिश्ता बाकी जितने जिस्मानी रिश्ते हैं वो इसी हवाले से हैं अगर दादा से और दादी से रिश्ता है तो इसलिए कि बाप के माँ बाप हैं अगर नाना से और नानी से रिश्ता है तो इसलिए कि माँ के माँ बाप हैं अगर चचा और फूफ से रिश्ता है तो इसलिए कि वो बाप के बहन और भाई हैं अगर मामू और खाला से रिश्ता है तो इसलिए कि माँ के बहन भाई हैं तो बुनियादी जिस्मानी रिश्ता जो है माँ बाप से और उसमें माँ का रुतबा सबसे बड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा हुज़ूर मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है हुज़ूर ने फरमाया तेरी माँ फिर अर्ज की हुज़ूर उसके बाद फरमाया तेरी माँ अर्ज की उसके बाद फरमाया तेरी माँ तीन दफा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और फिर अर्ज की हुज़ूर उसके बाद फरमाया तेरे बाप लेकिन मेरे दोस्तों उलमा ने और फुकहा ने ये कहा कि माँ से प्यार ज्यादा करो इज्जत बाप की ज्यादा इसलिए कि बाप जो है वो तुम्हारी माँ का भी सरदार है तो ये माँ का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है और मोहब्बतों का मरकज जो है ये माँ है मैं क्या बताऊँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है और जब भी ये हदीस मैं सुनता हूँ मेरे जहन में आती है तो ईमान ताज़ा होता है और सरकार की कर्म नवाजी पर ये बात आती है कितनी करीम बात है जिन्होंने हमारे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी उन्होंने फरमाया जिसने माँ बाप दोनों या दोनों में से किसी एक को मोहब्बत भरी नज़र से देखा हज मकबूल आप जरा गौर करें हज मकबूल हज कितनी मुश्किल इबादत है हज कितनी मुश्किल इबादत है अब तो लाखों रुपए लगते हैं मुझे एक साहब कह रहे थे कि आम उमरा जो आजकल होता है आम उमरा वो तकरीबन 3 लाख में हो रहा है और अगर कोई शानो शौकत से करे सहूलियात के साथ करे तो उसकी बात क्यों है हज जो है वो आम हज जो है आम लोगों का वो 7 लाख में हो अब आप बताएं कितना जरे कसीर आदमी सच करता है और हज की तकलीफें उठाता है रश की सोबतें बर्दाश्त करता है घर बार को छोड़ता है बीवी बच्चों को छोड़ता है और इतना तवील सफर करके वो हज करता है इसके बावजूद वो यकीन से नहीं कह सकता कि ये हज मेरा कबूल है इसलिए कि इंसान से तो बहुत सी लफ्जें होती हैं बहुत सी गलतियाँ होती हैं तो वो यकीन से नहीं कह सकता इतनी तकलीफें उठाकर इतना पैसा खर्च करके लेकिन कोई सोबत नहीं कोई सफर नहीं कोई तकलीफ नहीं कोई खर्च नहीं माँ बाप दोनों या दोनों
قوموں میں سے کسی ایک قوم محبت بھری نگاہ سے دیکھو حج مقبول ہے۔ یہ سرکار نے غلاموں پر کتنا بڑا کرم کیا۔ صحابہ بیٹھے تھے ایک صحابی نے کی حضور اگر 100 مرتبہ دیکھے دن میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے خزانے میں کمی ہے، 100 دفعہ دیکھو 100 حج مقبول ہے۔ دوستو یہ کیسا کرم ہے ہمارے آقا مولا کا ہم پر کہ ہم غلاموں کو اتنے ثواب ہو دور پہنچا رہے ہیں اور ہمیں یہ نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو ماں جو ہے میں کیا عرض کروں، مجھے وہ روایت یاد آئی، سناؤں آپ کو۔ یہ